हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 9.3। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अगेन यहाँ पे ए और बी नाम के दो कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को भी आपको दो बार डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो लेट्स सी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ब्रैकेट ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं चाहूँ तो कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने डिफरेंशिएट करवाया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे, जैसे एक्स की पावर एन माइनस एन एक्स एन माइनस वन टाइप्स वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ यूज़ होने जा रहा है। तो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, टू वाई, और जब इस y की फिर से होगी डिफरेंशिएशन तो ये बन जाएगा y डैश। दिस इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, एक कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे a है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 ए एक्स, ओके। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड फाइनली आपको मिलेगा y इंटू वाई डैश इज़ इक्वल्स टू माइनस ए एक्स, ठीक है। और यहाँ से कहीं ना कहीं a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y इंटू वाई डैश अपॉन x माइनस का, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपकी। अब इस क्वेश्चन में फर्दर आगे चलते हैं। हमारी इक्वेशन हम यहाँ तक पहुँच गए थे और इस स्टेप को मैं फिर से अगर डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस बार क्या होगा, अगर y और y डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया जाए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या होगा देखते हैं। इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, अगर ए और बी नाम की दो चीज़ें हैं तो पहले ए को ऐसे ही रहने दीजिए, बी का डिफरेंशिएशन किया, प्लस बी को ऐसे ही रहने दीजिए, ए का डिफरेंशिएशन किया, है ना। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y को ऐसे ही रहने देते हैं पहले वाले को, और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, y डैश का डिफरेंशिएशन फिर से आपको y डबल डैश देगा, प्लस इस बार y डैश को ऐसे ही रहने देते हैं और y का करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा। यहाँ पे अगेन सेम रूल है, अगर आप माइनस ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वन हो जाता है और सिर्फ a यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने भी एक इक्वेशन लिखी थी और a की वैल्यू हमने आपको बताई थी कि वो है y डॉट इंटू वाई डैश अपॉन x, तो यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर लेट से फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट नेम दे दिया है, वी कैन राइट y डैश इंटू वाई डैश इज़ y डैश और कुछ ऐसे, और इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस ए, क्योंकि ये ए इक्वल्स टू माइनस का वाई डॉट इंटू वाई डैश अपॉन एक्स था, तो ये माइनस ए ही हुआ एक तरीके से। इसकी जगह आप लिख सकते हैं वाई वाई डैश अपॉन एक्स, ठीक है। सो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, दिस इज़ फ्री फॉर्म ए एंड बी, ओके। अब अगर आप इसमें फर्दर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से ही आपका हो जाएगा एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये चीज़ इधर आ सकती है, ये बन जाएगी माइनस वाई वाई डैश इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। सो दिस इज़ योर आंसर। आप चाहे इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ भी रख सकते हैं, है ना। चलिए, प्लीज़ नोट इट डाउन।